यही गणेश की पूजा है जहाँ की आप पे वो अबोधिता हो। और उनका सहज नृत्य जो है, सहज झगड़ा जो है, सहज बातें जो है, कितनी सुंदर है। उसके हर एक जगह आपको दर्शन होते हैं और आप देखते हैं। पर उसमें अगर आपके अंदर ममत्व आ जाए, बच्चे में बिल्कुल ममत्व नहीं होता, आ जाएगा वो हर चीज को खेल बना लेते। आप उनको एयरपोर्ट पे ले जाइए, वहां पर वो कुछ ढूंढ लेंगे, कूदने का हिसाब या दौड़ने का हिसाब या कुछ न कुछ को खेल बना लेते, हर चीज उनके लिए लीला। और फिर उसे छोड़ भी देते, उससे अटैचमेंट नहीं, उसके साथ जुटापन नहीं है कि ये खेल मेरा है। जब ये हो जाता है तो सोचना चाहिए कि बच्चा जो है इसमें अभी बहुत बच्चापन नहीं रहा। जो बच्चा होगा वो तुमको चाहिए, वो 3 बार ला के दे। कोई खेल खेल रहा है, छोड़ के भाग जाएगा दूसरा तरफ। उसको किसी के प्रति ये नहीं लगता है कि इससे हमें चिपकना चाहिए या कुछ रहना चाहिए। वो जो भोलापन है, उस भोलापन में जो एक चीज की न्यूनत्व है जो आप पे पूरी हो गई है कि उनको कोई ज्ञान नहीं, बगैर ज्ञान के भोलापन। लेकिन आपने ज्ञान को पाया है और उसका सरताज आपका भोलापन। इतने बड़े ज्ञान को प्राप्त करके भी अगर हमसे उस चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती, उस गणेश की श्रद्धा और उसकी समर्पण शक्ति को हम प्राप्त नहीं कर सकते, तो बाकी सब करना तो व्यर्थ ही है एक तरह से। मेरे ख्याल से बिल्कुल ये कुछ मशीन की बात है, मंत्र कह डाले गणेश के फिर ये क्या। मैं तो सोचती हूँ कि हर एक पूजा में इतने बार हम गणेश को पूजते हैं और कहते हैं ठीक है उनका मंत्र जरूर कहा करिए, लेकिन मेरे ख्याल से गौरी की पूजा नहीं ठीक रहे। वो चालना देती है, वो कुंडलिनी है, वो आपको उठाती है। गणेश को आप साकार ही में देख सकते हैं, अभी निराकार में देख नहीं पाते हैं, क्योंकि अभी तक आपने गौरी का संचालन नहीं किया और गौरी का आसरा नहीं लिया, आप सिर्फ गणेश को देखना चाहते हैं। आज गौरी का ही दिन है, ऐसा कुछ इत्तेफाक है कि सहयोग में हमेशा सहूलियत से पूजा होती है, ये नहीं मुहूर्त पे नहीं, कुछ भी हो सहूलियत होनी चाहिए। अभी संडे का रोज होना चाहिए, नहीं तो सबको ये नहीं। और संडे के रोज में भी वो टाइम होना चाहिए जब सिनेमा नहीं, मैंने आज तक कोई संडे को सिनेमा ही नहीं देखा, समझ में नहीं आता कि मुझे उसमें सिनेमा होता है कि नहीं होता। और संडे को सिनेमा होता है इसलिए पूजा सवेरे ही रखना अच्छा है, माँ जल्दी आप खत्म करना क्योंकि उधर सिनेमा का टाइम हो जाता। ये अगर हमारी स्थिति है तो क्या फायदा है गणेश जी की पूजा करने से। अगर हमारा चित्त ऐसी ही चीजों में उलझा हुआ है तो आप लोग ये समझ लीजिए कि इसका कोई इलाज हम नहीं कर सकते, इसका कोई इलाज नहीं। सो चित्त को जो है हर समय आपको देखते रहना चाहिए कि इसमें कौन से विचार खड़े हो रहे हैं। इस पर नामदेव ने कहा हुआ है कि जैसे एक छोटा बच्चा हाथ में पतंग की डोरी लिए हुए सबसे बात कर रहा है, खेल रहा है और हंस रहा है, मजाक कर रहा है, लेकिन उसका चित्त पूरा उस पतंग की ओर है, उसी प्रकार एक योगी जन को अपना चित्त पूरा उस पतंग पे रखना चाहिए, अपनी आत्मा की। नहीं तो ये सारी शक्तियां जो दी भी है उनकी कोई पूर्ति नहीं हो सकती, उसका कोई प्रादुर्भाव हो नहीं सकता, कोई स्फोट नहीं हो सकता। लोग बहुत से पूछते हैं कि माँ क्यों ऐसा होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई सी भी स्पुटनिक जैसी चीजें जो कि आकाश में और अंतराल में जो फेंकी जाती हैं, उसका तरीका यही है कि जब एक के अंदर एक बिठाए जाते हैं और जब एक पहला एक हद तक पहुंचता है तो उसमें एकदम स्फोट होकर दूसरे को ढकेल देता है, फिर दूसरा वाला फिर स्फोट होता है उससे दूसरा ढकेला जाता है, इससे एक्सेलरेट होती है उसकी शक्तियां, माने उसमें एकदम बढ़ावा आ जाता है। ऐसा ही स्फोट हमारे अंदर क्यों नहीं होता, क्योंकि अभी भी हम 10 पैसे में खरीदे जाने वाले गणपति जैसे ही हैं। इस वजह से अगर असली गणपति हो उसका स्फोट होना चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि एक एक आदमी क्या कमाल का है। वैसा नहीं होता है, हम अपने ही चीजों में उलझे रहते हैं, अपनी बातों में अपने ही बारे में सोचते हैं और हर समय सोचते हैं कि इसमें हमारा क्या लाभ है सहयोग में आने से।
असल में पूरा ही लाभ, पूरा ही लाभ। क्योंकि जिस वक्त आप अपने सिंहासन पर बैठ गए तो पूरा राज आपका ही है, लेकिन आप सिंहासन पर न बैठते हुए हर दरवाजे जाके भीख मांगेंगे तो आप तो भिखारी ही है। आपको सिंहासन बसाने से फायदा क्या? और सिंहासन पर बैठ करके भी आप कहें कि भाई माता जी को आप थोड़ा रुपया पैसा दे दो, तो इस चीज का क्या अर्थ लगता है? गणेश की शक्ति अगर अपने अंदर जागृत करनी है तो सबसे प्रथम जानना चाहिए कि हमें निराकार की ओर चित्त देना चाहिए, चैतन्य की ओर देना चाहिए, और चैतन्य जो हमारे अंदर से बह रहा है उसको देखना चाहिए। जिनका चैतन्य दूषित है वो यही कहेगा मुझे भूत लग गया। क्यों लगा? गणेश को कभी भूत नहीं लग सकता। तुमको तो अपने शरीर में मैंने स्थान दे दिया, ऐसा तो किसी ने किया होगा, और मैं तकलीफें उठाती हूँ आपकी सफाई के लिए, लेकिन आप लोग अपनी सफाई क्यों नहीं कर सकते? और आके लोग कहेंगे माँ मेरा आज्ञा पकड़ गया, मुझे अहंकार हो गया। क्यों हुआ? दुख करने वाला परमात्मा है, फिर आपको अहंकार क्यों? उसकी वजह यह है कि अपने दोषों को हम नहीं देखते, दूसरों में टाल देते हैं और कह देते हैं कि ये तुम्हारा काम और ये तुम्हारी वजह से। उसके उल्टे श्री गणेश, उनको पता पर चल जाए और मेरी गर नजर उन पे नहीं हो तो सबको ठिकाने लगा दे। मैं आपसे बता दू, इतने वो माहिर हैं, होशियार हैं, सतर्क हैं, दक्ष हैं, वो जानते हैं कि कहाँ पर कौन बैठा है कैसे। मुझे भी सब मालूम है, ये नहीं कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सुरक्षित रखना चाहती हूँ आपको। लेकिन वो नहीं, वो कहते हैं ऐसे बेकार लोगों को क्यों माँ के पीछे लगाना, वो तो ऐसे ठिकाना कर दे। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मुझे समझ नहीं आता अब भी, कि ये सब होने के बाद आपकी वाणी शुद्ध नहीं। वाणी में बहुत से लोग गालियां देते हैं, अभी भी सहयोग में चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जोर से बोलते हैं, उसमें प्रेम माधुर्य कुछ है ही नहीं। इसका मतलब आपकी वाणी भी शुद्ध नहीं, और ऊपर से दाम्भिकता, इसे कहना चाहिए कि ढोंग करना, ऐसा दिखाना कि हम बड़े मुस्कुरा रहे हैं, हम बड़े हंस रहे हैं, बहुत ही खुश हो रहे हैं, और अंदर से तो मैं देख रही हूं हृदय ही स्वच्छ नहीं। वो जो असली आनंद का गांभीर्य है उसकी चमक ही और होती है, और हमसे तो छिप नहीं सकती वो। आप कुछ भी पोत के आइए, हम पहचान जाएंगे आप कितने गहरे पानी में। लेकिन वो किस लिए? हम भी आपको क्यों परखते हैं? किस वजह से परखते हैं? इतनी मेहनत क्यों करते हैं? वजह ये चाहते हैं कि आप लोग सब चमक जाएं। लेकिन जब तक आपके मन में अपना हित ना आए, जब तक आप अपनी अंतिम लक्ष्य को पूर्ति की तरफ ध्यान न दे और फालतू चीजों में उलझे रहेंगे और उसी से मुझे तंग करते रहेंगे। मुझसे लोग आर्ग्यू करते हैं, माँ हम आपकी इतनी पूजा करते हैं तो भी ऐसे कैसे होगा? क्यों तो आपके अंदर कोई दोष नहीं, आप संपूर्ण हैं। ये तुम कहिए कि आप लोग पार हो गए। इस तरह की जब हम बातें सोचते हैं तब हमारा चित्त उठते जाता है ऊपर की ओर, और चैतन्य की ओर हमारे हाथ फैलाए हुए हैं, स्वकत चैतन्य हमारे अंदर बहना शुरू हो जाता है, और इतना खुश होता है वो कि चलो मेरा स्थान यहाँ मिल गया। जैसे कोई बाढ़ आ जाए इस तरह से पूरा शरीर आलोकित हो जाता है। एक दो आदमियों को आलोकित करना तो बहुत आसान चीज है, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि सामूहिकता से हम लोग इस तरह से बने, क्योंकि आज उसकी जरूरत है। नहीं तो सोचे कि ये समाज कहाँ जा रहा है, एक से एक चोर उचक के बैठे हुए हैं, सारी दुनिया भर की परेशानियां लोगों को लगी हुई हैं, और इसके अलावा इतनी अनैतिकता, माने घोर घोर कलयुग है। आप अपने बच्चों को इसी में क्या चाहते हैं कि सब कर दें, या आप चाहते हैं कि कोई विशेष महान कार्य के लिए आप इस संसार में आए हैं और उस कार्य को आप करें? हो गया, आपको पैसों का प्रॉब्लम था, सॉल्व हो गया, नौकरी का प्रॉब्लम था, सॉल्व हो गया, और प्रॉब्लम से सॉल्व हो गए, आगे क्या? अभी लालच खत्म ही नहीं हो रही, और उसके लिए भी मुझे परेशान करना हर समय बिल्कुल उचित नहीं। सिर्फ मुझसे प्रश्न सहयोग पे ही करने चाहिए, और कोई सा भी दूसरा प्रश्न करना गलत है, और वो भी प्रश्न
बेकार में जानने के लिए बहुत सारी बातें करने की जरूरत नहीं, शांति में ही पूछने से अपने आप आपको उत्तर आ जाए। नहीं तो हर बार आपको मेरा लाउड स्पीकर लगाना पड़ेगा कि माँ ने इसमें क्या कहा, तो और में आपने क्या फर्क है। एक साहब मेरे पास आए, कहने मुझसे भगवान बोलते हैं। मैंने कहा कैसे? कहने बस मैं गीता है इसे खोल लेता हूँ, जो पेज खुल जाता है उसमें जो लिखा है उसी से मैं समझ जाता हूँ भगवान ने कहा। मैं कहा वाह भाई वाह, वही हाल मेरा दिखता है। पेज खोल दो, माँ ने क्या कहा ऐसा कहा। अब ये आपके अंदर सृजन शक्ति स्वयं है, आपके अंदर विचार शक्ति स्वयं है, आपके अंदर वो शक्ति है जिससे आप दुनिया को चमका सकते। तब आप क्यों बार बार ये चाहते हैं कि माँ ही इस बात पर बताए? आप स्वयं इसका प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मैंने देखा उत्तर देने के लिए सिर्फ एक मैं ही हूँ। मेरे सामने तो सब प्रॉब्लम ही लोग लेके आते हैं, उसमें ऐसा प्रॉब्लम है, उसमें ऐसा प्रॉब्लम, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिलता कि नहीं इसका सलूशन है। माँ आप चिंता न करें, हम कर दिखाएं। ऐसे भी तो कोई चाहिए, ये हम कर दिखाएं, ये कोई मुश्किल काम। हर आदमी को जाना चाहिए कि जो भी चीज जिसे आज हम कह रहे हैं भौतिकता साकार या कोई भी चीज कह रहे हैं, उसमें सिर्फ शक्ति का संचार होते ही वो चीज कुछ और ही हो जाती। जैसे ये चीज बेकार है, इसमें जैसे शक्ति का संचार हो गया, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, इसी प्रकार कोई सी भी चीज जिसे हम कहते हैं कि जो व्यर्थ है, उसमें शक्ति का संचार होते ही वो कमाल की हो जाती है। आपको अपने बच्चों से प्यार है, अच्छा उनमें शक्ति का संचार करो, वो बच्चे कमाल के हो जाएंगे, हो ही जाएंगे। अगर आपको अपने घर से प्यार है, चलो उसमें शक्ति का संचार करो, मंदिर हो जाएगा। आपकी बुद्धि में अगर कोई दोष है या आपको हर समय सवालात बहुत आप दिमाग में लाते हैं अपने, उसमें शक्ति का संचार करो, सब चीज का उत्तर आपके सामने आ जाएगा। आपको मुझसे पूछने की जरूरत क्या? सबसे तो बड़ा ज्ञानेश्वर जी को अगर उनकी किताबें पढ़े तो आश्चर्य लगता है, कभी उन्होंने मुझे साकार स्वरूप देखा नहीं, लेकिन उन्होंने उस शक्ति को बढ़ दिया जो उन्हें दी थी, और उस शक्ति के स्वरूप उन्होंने क्या कैसे कहा चीजें रखी। अगर आप अभी भी इसी साकार स्वरूप से ही तृप्त है, आगे नहीं बढ़ सकते। आपको निराकार में हमें प्राप्त करना होगा, जिससे कि आपके अंदर की सृजन शक्तियां बढ़े। इसी को हम मानते हैं कि जो श्री गणेश को लोग कहते हैं कि हमारे महागुरु, उसकी वजह यही है कि उनकी शक्ति के संचार से हम स्वयं ही गुरु हो जाते। हम कितने बार कहते हैं हम स्वयं के ही गुरु हैं, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं मुझे नहीं दिखाते जो अपने टांगों पर खड़े हुए कह सकते हैं कि हाँ माँ ये चीज है इसका हमारे पास उत्तर है, हम ही को इसका उत्तर मांगो। और जब वो देने लग जाते उत्तर, तो ऐसे उत्तर होते हैं कि सभी दुनिया निरुत्तर हो जाए उनके आगे, क्योंकि जो उत्तर देते हैं उतने अहंकार भरे, इतने बेवकूफी के और इतने निम्न स्तर के होते हैं कि समझ में नहीं आता कि ये सहयोगी है कि कहाँ जाके। अश्रद्धा वालों को नुकसान होता है, ये बात है, नुकसान भी होता है और उनको सीखना पड़ता है, उनको बहुत से लेसन्स लेने पड़ते हैं, समझ लीजिए। लेकिन वो भी होने के बाद, वो सब होने के बाद भी आप अगर जिंदगी भर स्कूलों में ही पढ़ते रहे तो आपको नौकरी कैसे मिलेगी? हर ईयर आप अगर फेल होते रहे तो आपको नौकरी मिल ही नहीं सकती। परमात्मा आपको क्यों अपना नौकर बनाएगा? क्योंकि आप कहते हैं प्रभु तुम मुझे अपना माध्यम बना लो। भाई वो भी तो सोचते हैं कि माध्यम किसे बनाया जाए, ऐसे डिफेक्टिव लोगों को क्या जरूरत है माध्यम बना करके, हर बार आफत हो, उनकी गाड़ी नहीं चल सकती। हम उनके माध्यम बनने के लिए, हमारे अंदर सारी शक्तियां हैं, हमारे अंदर जागृति है, हम उसके बारे में जितना जानते हैं कोई भी नहीं जानता था, सहस्त्रार के बारे में किसी ने लिखा तक नहीं, वो तक हम जानते हैं, सारी चीज आज हमारे सामने पुस्तक के जैसे खुली हुई है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि पुस्तक को पढ़ने से हो जाएगा या मंत्र के कहने ही से आप शक्तिशाली नहीं हो सकते। मंत्र का जो स्थायी भाव पवित्रता है और उसकी फेंक, जिसे कहते हैं कि कहां नजर है, जब तक दोनों चीज में सामंजस्य नहीं आ जाए, जैसे कि हाथ में पतंग हो और उड़ान उसके ऊपर हो, इसी प्रकार जब तक आपके जीवन में न हो कि हमारी उड़ान कहां है,
बहुत से लोग ये जरूर कहते हैं, माँ हमें गॉड रियलाइजेशन कब होगा, इसका कोई मैं लिख के दे सकती हूँ गारंटी? और दूसरी मर्तबा गए वहां किसी की बुराई करने लगे, सादा एक क्रोध जिस आदमी को कंट्रोल नहीं हो सकता वो क्या सहयोग करेगा? कृष्ण ने क्रोध को सबसे पहले करने में किया, सबसे बुरा बताया, क्रोधात भी जाए थे सम्मोहन, क्रोध सबसे खराब चीज, सम्मोहन लाने वाली चीज। सो हमारे अंदर जो गणेश की शक्ति है उसे जागृत करने में ये सोचना चाहिए हमें पवित्र हो, और पवित्रता में उनका सौंदर्य स्वरूप जो भोला स्वरूप हो उसके ना, नहीं फिर वो कहेंगे ठीक है हम गणेश हैं, हम हाथ में परश लेके जिसको उसको मारते थे। वो शक्ति आपके पास नहीं, वो परश आपके हाथ में नहीं, वो जिस दिन आपके हाथ में आएगी तो आपके हाथ में परश दिया जाएगा। अभी जिससे आप मार रहे हैं वो आप ही का भूत आपको मार रहा है, आप भूत हैं जो आप चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं दूसरों को मार रहे हैं, ये गणेश शक्ति होने से, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप किस पे चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये जिस आदमी का इस तरह से दिमाग खराब है उसे सहयोग में छोड़ के पागल खाने में चला जाना चाहिए, उसका स्थान यहां पर नहीं। जो आज का भाषण है उसमें धार है उसी परस की, समझ लीजिए, हमें तो ये अधिकार, आपको अधिकार नहीं कि आप इस परस को वहां दुनिया भर में घुमाते फिरे। अपनी नाक काट लीजिएगा, अपने कान काट लीजिएगा, किसी को आप काट नहीं सकते। सहयोग में जो भी आदमी ऐसा होता है उस पर दुनिया थूकती है, हंसती है, मजाक करती है, पीठ पीछे उसकी निंदा करती, और ऐसे लोग सहयोग से बहुत जल्दी घाट उतर जाते हैं। अपनी वाणी अत्यंत सुंदर स्वच्छ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, पर उसके पीछे में छल कपट नहीं होना चाहिए। जैसे बिजनेस वाले, भाई बहुत अच्छे आप आइए, पान खाइए, फलाना खाइए और जेब खाली करके जाइए, हृदय बात हृदय से कहनी चाहिए, और जब हृदय से बात कही जाती है तो बड़ी गुणग्राही होती है, क्योंकि हृदय जो है यही सब चीज को समाता है, वही चीज हमेशा के लिए सनातन हो जाती है। बाकी चीजें ऊपरी ऊपरी बुद्धि की चीज ऊपरी ऊपरी रह जाती है, लेकिन जो चीज हृदय को छू जाती है, जो हृदय स्पर्शी है, वही चीज हृदय में बैठ जाती है। इस चीज की आप गांठ बांध के रखिए, श्री गणेश का स्थान है तो मूलाधार पे, पर जब वो अपने हृदय में आ जाता है तभी वो आत्मा स्वरूप होकर के चैतन्यमय होता है। आत्मा जो है वही श्री गणेश, और वही श्री गणेश जब हमारे हृदय से प्रकाश देता है वही वो फिर चैतन्य। जिसने श्री गणेश को अपने हृदय में बिठा लिया उसके लिए फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं। उसको कहते हैं कि हर समय निरानंद में डूबा रहता है, उसे और चीजों की खबर ही नहीं होती, न परवाह रहती, और रिद्धि सिद्धि सब उसके पैर के पास, वो खुद जानता भी नहीं सोचता भी नहीं, सारे काम अपने आप होते रहते हैं। ये अनुभव सिद्ध है, ये मैं बात ऐसी वैसी नहीं कह रही हूँ, ये अनुभव सिद्ध है। आप लोग जानते हैं, मेरे बारे में जानते हैं, वो आपके बारे में क्यों नहीं होना चाहिए? अभी तो हम ही आपके लिए रिद्धि सिद्धि बने, आपके पीछे पीछे घूम रहे हैं, पर सबका समय होता है, आपको भी अपने मंजिल को छोड़ करके दूसरी ओर मुड़ना नहीं चाहिए, अपनी नजर उन्नत करके उस ओर जाना चाहिए जहां आपको जाना है और जिसे आपको प्राप्त करना है। ये ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं था, और जो हो रहा है उसको अगर आप भूल जाएंगे तो इसमें दोष हमारा नहीं, और इसकी सजा हमें देने की जरूरत ही नहीं, श्री गणेश बैठे ही वहां परस लेकर के। इसलिए अपनी और दृष्टि, अपने अंदर वो गांभीर्य, श्री गणेश की जो शक्ति उस गांभीर्य से लिया, अपने अंदर वो आनंद का गांभीर्य, आनंद एक सागर जैसे गंभीर, जैसे ऐसे गंभीर आत्मा को देखते ही मनुष्य पुलकित हो जाए आनंद से।
फिर तो आप ही के दर्शन से काम हो जाएगा, मेरी तकलीफें बहुत कम हो जाएंगी, तो वो स्थिति आनी पड़ेगी। और आज यही एक निश्चय करके आप पूजा करें कि वही हम स्थिति लाने वाले हैं। और आज विशेषकर गौरी की पूजा, कुंडलिनी की पूजा, जो हमें शक्ति चालना देती है, जो गणेश को ही वो शक्ति देती है जिसके कारण वो चलायमान है, और अब निराकार स्थिति से साकार आकर के और आप लोगों के साकार स्वरूप से ही वो आपको निराकार में उतार सकते हैं, वही वो गौरी शक्ति। तो हम शक्ति के पुजारी हैं, और जो शक्तिशाली नहीं है निःशक्त है, जो अपनी शक्ति की पूजा नहीं करता और जो अपने अंदर वो शक्ति को जगाता नहीं और उसमें रममाण नहीं होता और उसका प्रकाश नहीं देता, उसके लिए अपने को सहयोगी कहना व्यर्थ। ऐसे तो बहुत से बंदर और गधे मिल सकते हैं जिनपे मैं लेबल लगा दूं सहजोगी सहजोगी सहज गाढ़वी सहज फलाने, सो क्या वो हो जाएंगे? तो ये लेबल लगाने की बात नहीं है, अंदर की बात है, अंतरतम की हृदय की बात है। इसको हृदय से प्राप्त करना चाहिए, हृदय में उतरना चाहिए। और जितनी भी समाज में, राजकारण में, बाह्य में, बाहरी बातें हैं, उनको अपने अंदर नहीं घुसना देना चाहिए, क्योंकि सब लोग ऐसा करते हैं इसलिए हम भी ऐसा करते हैं। ये सहयोग है, इसमें आपकी अपना व्यक्तित्व है, ये नहीं कि अपनी इंडिविजुअलिटी है, व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तित्व है, हमारी पर्सनालिटी है, हम सहयोगी हैं। हम क्यों लोग दुनिया करती है इसलिए हम क्यों करें, हम इसे नहीं करने वाले। जब तक आप लोग इस हिम्मत के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, सहयोग यहाँ पर कोई पहाड़ नहीं खड़े कर सकता, कुछ दलदल शायद खड़ी हो जाए तो हो जाए। माँ के मंसूबे बहुत हैं और मेहनत भी बहुत की, हमने कुछ मेहनत में कमी नहीं की, लेकिन अब चाहते हैं कि आप लोग इधर ध्यान दें और अपने को समाधान में रखें। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मुंह पे मुस्कुराहट ला के हम बड़े समाधानी हैं, नहीं, समाधान को अंदर तौलें, क्या हम वाकई समाधानी हैं? आशा है आप लोग सब पूरी तरह से ध्यान करेंगे और ध्यान की ओर अपना पूरा सर्वस्व लगाएंगे, तभी काम बनने वाला। और जब आपके अंदर खुद ये शक्तियां आ जाएंगी, आप आश्चर्य करेंगे कि माँ हम तो सारे पहाड़ों से ऊंचे हो गए, सारे पेड़ों से भी ज्यादा हरित हो गए, इस पृथ्वी से भी हम विशाल हो गए। जैसे तुकाराम ने कहा था कि मैं तो दिखने में छोटा हूं लेकिन आकाश कितना बड़ा हूं। ये जब तक आपके अंदर नहीं होता तो फायदा क्या सहयोग में आने से। आज की बातों पे आप कृपया ध्यान दें और उधर चित्त करें और पूरे मन से आज यही पूजा करें श्री गणेश की, कि हम गौरी माँ के सहायक से उसकी शक्ति के साथ उस निराकार में उठे जहाँ हम पूर्णतया आनंद में रहे और हमारे रोम रोम में वो शक्ति ऐसी बहे कि लोग दुनिया में जाने कि सहयोग ने क्या कमालात की। अपने कमाल को पूरी तरह से हासिल कर लेना से एक्सलेंस कहते हैं, वो चीज आप में आनी चाहिए। सहयोग में हमें एक्सलेंस आया है या नहीं ये खुद आप जज करना चाहिए आप, और हर एक आदमी कर सकता है उसको। पढ़ने लिखने की किसी चीज की, किताब की किसी चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ शुद्ध इच्छा की जरूरत है जो हमें अपने अंदर रखना चाहिए। आशा है आज पूजा में आप लोग इसे प्राप्त करेंगे, महान शक्ति के साथ ही आप बाहर जाएंगे, उसको छोड़े बगैर नहीं। छोटी छोटी बातें जो भी मन में उभरे कि मेरा ये ठीक हो जाना चाहिए, वो सब छोड़ छाड़ के आज उसी महाशक्ति को प्राप्त करें, सब अपने आप ही ठीक होने वाला है।